Well, hello there to everyone. My name is Nitoch Nathan and welcome to my channel Accelerams Just Box, जहाँ पे हम कुछ खास डब्बे अनबॉक्स करते हैं. Well, so today we are going to talk about a watch which I have recently imported from China and the full name of this watch is TicWatch Pro 5. This watch basically comes with the Android support of Android 11 and this watch was basically launched in 24th of May 2023. जी हाँ, ये मॉफ़े की तरफ से आता है. इस वॉच की प्राइसिंग की बात करो तो आपको देखने को मिल जाती है मार्केट में कुछ अराउंड 35,000 के अराउंड. हालांकि अभी रिसेंटली इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है तो आपको अभी शायद 29,000 के अराउंड देखने को मिल जाती है. हालांकि जब मैंने परचेज किया था उसके करीबन एक हफ्ते बाद ही प्राइस ड्रॉप हुआ था तो मैं काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था, बट क्या ही करता. तो मैंने 35 में इसको परचेज किया था, ये कुछ समझ लीजिए आई थिंक 20 दिन पहले. तो मेरा काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस हो चुका है इस वॉच के साथ एंड मैं काफी ज्यादा डिटेलली आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसके हर स्पेसिफिकेशंस के बारे में. बट पर मैं डिटेलली हर चीज एक्सप्लेन करूंगा अपनी वीडियो के पार्ट 2 में, जो कि होगा बेसिकली इस वॉच का इन डेप्थ रिव्यू. हालांकि मैं अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू देने वाला हूँ और आपको बेसिक डिटेल्स बताने वाला हूँ जो भी इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको देने को मिल जाती है. तो अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें आपको देने को मिल जाती है 1.43 इंचेस की एक 466x466 रेजोल्यूशन पे आने वाली 326 ppi यानी पिक्सल डेंसिटी पे आने वाली डिस्प्ले, जो कि आपकी बिल्कुल AMOLED होने वाली है. हालांकि इसमें आपको 10 बिट कलर का सपोर्ट नहीं मिलता है, इसमें 6.8 मिलियन कलर्स का आपको सपोर्ट देने को मिल जाता है. एंड इसके अगर मैं रिफ्रेश रेट की बात करूं तो आपको देने को मिल जाती है 60Hz की. एंड जो एक फीचर जो इस वॉच को इस दुनिया की हर वॉच से बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाता है, यहां तक कि एप्पल वॉच या फिर सैमसंग वॉच को भी इसकी वजह से लोग एक बार को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वो है इसका लो लेटेंसी डिस्प्ले या फिर लो पावर डिस्प्ले. तो अगर मैं इसकी लो पावर डिस्प्ले की बात करूं तो वो बेसिकली डिजिटल डिस्प्ले होती है जो कि आपकी AMOLED स्क्रीन के ऊपर ही लगी हुई है. इसमें आपको काफी सारा डिटेल्स देने को मिल जाती है. अगर आप इस पे अपने वॉच को ऑपरेट करते तो आपकी वॉच की जो बैटरी लाइफ होगी वो 45 डेज तक भी जा सकती है, तो ये बहुत ही आपको प्लस पॉइंट देने को मिल जाता है अगर आप किसी लॉन्ग ट्रिप या लॉन्ग वेकेशन पे जा रहे हैं. अगर आपके पास किसी चार्जिंग वार्जिंग का फंक्शन नहीं होता है तो आप डेफिनेटली इस वॉच को 45 डेज तक बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के यूज कर सकते हैं. एंड आपको डिजिटल डिस्प्ले में भी काफी ज्यादा डिटेल्स देने को मिल जाती है, जैसे कि डेट, टाइम का टाइम विद सेकंड्स, प्लस इसमें आपको फुटस्टेप्स, हार्ट रेट एंड इसमें आपको कंपास का सपोर्ट भी देने को मिल जाता है. साथ ही कैलोरीज बर्न, SPO2 का फंक्शन भी इसमें आपको देने को मिल जाएगा डिजिटल डिस्प्ले पे ही. इसमें आपको ब्लूटूथ की इन्फॉर्मेशन भी देने को मिल जाएगी, बैटरी स्टेटस प्लस NFC. इसमें आपको NFC का फंक्शन भी देने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप गूगल पेमेंट्स भी कर सकते हैं. तो गूगल पे का आपको इसमें फुल सपोर्ट देने को मिल जाता है NFC के थ्रू. बट इसमें अगर मैं स्क्रीन के प्रोटेक्शन की बात करूँ तो उसमें आपको देने को मिल जाता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, एंटी फिंगरप्रिंट का ग्लास कवर. तो बेसिकली आपकी जो आपका वॉच का स्क्रीन होगा बिल्कुल आपका फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट होगा और आपका मोस्टली आपको क्लीन करने के लिए एक सिंपल माइक्रोफाइबर क्लॉथ से आप इसको क्लीन कर सकते हैं, सिर्फ एक वाइप में एकदम परफेक्टली क्लीन हो जाएगा. साथ ही इसमें आपको 5 ATM की वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाती है, तो बेसिकली 50 मीटर्स तक आपकी डेप्थ में आप इस वॉच को डाल सकते हैं, इसमें इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली. आप इसको पहन के स्विम भी कर सकते हैं या फिर आप जो भी इस वाटर स्पोर्ट करना चाहे आप सब कर सकते हैं, अंटिल अगर वो बहुत ज्यादा डीप स्कूबा डाइविंग ना हो तो 50 मीटर्स तक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसको. इसमें आपको मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H का भी सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है, तो बेसिकली काफी ज्यादा हैवी शॉक्स एंड फॉल्स को आराम से रेजिस्ट कर सकती है, तो बहुत ज्यादा अच्छा प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है. इसकी स्क्रीन भी आपको काफी ज्यादा रगेड देखने को मिल जाती है जो कि इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगी एंड पूरी तरह से स्क्रैच रेजिस्टेंट है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. इसको मैंने भी एक दो बार गिराया है बट मेरे को इसमें कहीं पे भी कोई स्क्रैचेस या फिर डैमेज देने को अब तक तो नहीं मिला है. सो दिस वॉच इज बेसिकली सर्टिफाइड बाय गूगल, सो आपको इसमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपकी वॉच पूरी तरह से बिल्कुल सिक्योर है, इसमें आपको A to Z पूरी तरह से आपको गूगल की सिक्योरिटी मिलती है. एंड इफ टॉक अबाउट द GNSS यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो इसमें आपको GPS आपकी वॉच के अंदर इंस्टॉल करने को मिल जाता है जो कि सिंगल बैंड सिस्टम है. एंड इसमें आपको बेसिकली लोकेशन फाइंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको अपनी वॉच को वाईफाई के थ्रू देना पड़ेगा एंड आपकी वॉच आपका लोकेशन अपने आप ही फाइंड आउट कर लेगी, किसी भी तरह से किसी और डिवाइस पर डिपेंडेंट नहीं होगी. सो दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग. इसमें अगर आपको मैं कुछ स्पेशल एप्स की सपोर्ट का बताऊं तो बेसिकली है प्ले स्टोर का. इसमें आपको बिल्कुल फुल प्ले स्टोर का एक्सेस देने को मिल जाता है. इसमें आप वॉच फेसेस डाउनलोड कर सकते हैं, खूब सारे एप्लीकेशंस भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें आपको व्हाट्सएप, यूट्यूब म्यूजिक, स्पॉटिफाई, गूगल मैप्स का इसमें आपको फुल सपोर्ट देने को मिल जाता है. आप इसमें लिटरली अपना पूरा गूगल मैप्स फुल स्क्रीन पर ऑपरेट कर सकते हैं एंड आप एज जैसे आप इसको फोन में यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे आप इसको अपनी वॉच में भी यूज़ कर सकते हैं. एंड इसमें आपको गूगल फिटनेस का भी सपोर्ट देने को मिल जाता है और साथ ही साथ मोबाइल हेल्थ, जिसके थ्रू आप अपनी इस वॉच को अपने फोन से पेयर कर सकते हैं. तो इस वॉच को करीबन मैंने 20 दिन पहले इम्पोर्ट कराया था चाइना से एंड डेफिनेटली ये मोबाइल कंपनी आपकी चाइनीज कंपनी हो जाती है. बट इसकी अगर मैं आपकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ जो भी कैपेबिलिटी है इस वॉच की, वो आपकी बिल्कुल सैमसंग वॉच से तो डेफिनेटली बेटर देखने को मिलती है. सैमसंग वॉच 6 क्लासिक से आपको डेफिनेटली बेटर देखने को मिलती है एंड एप्पल वॉच अल्ट्रा के बिल्कुल साइड बाय साइड ही स्टैंड करता है कहीं ना कहीं. एंड डेफिनेटली इसमें आपको बैटरी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है. एंड इसमें आपको 2GB रैम एंड 32GB की स्टोरेज देने को मिल जाए तो काफी ज्यादा अच्छी और प्लस पॉइंट देने को मिल जाता है. तो मैं अगर साफ सीधी बात करूँ तो ऐप अगर आप एंड्रॉइड में कोई एक स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हैं जो कि टॉप ऑफ द लाइन हो एंड वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हो, तो मैं साफ सीधी बात आपसे बोलता हूँ इस वक्त तो आप TicWatch Pro 5 के साथ ही जाइए. हाँ, अगर आप थोड़ा सा
टाइम दे तो शायद सैमसंग इम्प्रूव करेगा, जस्ट बिकॉज टेक वॉच इन स्मार्ट वॉचेस के बिजनेस में काफी सालों से, करीबन 10-12 सालों से वो इस वॉच के स्मार्ट वॉचेस के बिजनेस में है, एंड सैमसंग अभी रिसेंटली घुसा है तो सैमसंग को कैचअप करने में काफी वक्त लगेगा, बट फिलहाल तो टेक वॉच ही आपको एंड्रॉइड में सबसे ज्यादा टॉप ऑफ द लाइन में देखने को मिलने वाली है, एंड इसमें आपको लिटरली बिल्कुल एक फोन जैसा ही पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा। आपकी वॉच बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसको बस और सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जिसके बाद आप इस वॉच को बिल्कुल एक फोन की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें अगर मैं आपको बैटरी के बारे में बताऊं तो उसमें आपको देखने को मिल जाती है 628 mAh की बैटरी, जो कि 30 मिनट्स में 65% चार्ज हो जाती है, एंड इसका जो चार्जिंग इंडिकेशन है वो भी काफी ज्यादा कूल लगता है, इसमें आपको डबल डेसिमल प्लेसेस की चार्जिंग स्टेटस देने को मिल जाता है, तो बेसिकली 65.151617 इस तरह से चार्ज होती है, मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ उसी स्पीड में चार्ज होती है, तो देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है। एमोलेड स्क्रीन पर अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको डेफिनेटली 80 आवर्स तक का मैक्सिमम बैकअप देखने को मिल जाता है, हालांकि अगर आप बहुत ज़्यादा गूगल मैप्स या फिर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं तो आपको कुछ 60 आवर्स तक का बैकअप देखने को मिलेगा, बट अगर आप इसको अपनी लो पावर डिस्प्ले पर यूज़ करते हैं तो आपको इसका बैकअप 45 डेज तक देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात आपको देखने को मिल जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस इसको एसेंशियल मोड पर डाल देना है, एंड ये अपने एसेंशियल मोड पर कुछ नहीं होता, बेसिकली आपकी एमोलेड स्क्रीन पूरी तरह से ऑफ हो जाती है, बट आपकी तब भी बेसिक फिटनेस ट्रैकिंग चलती रहेगी, जैसे कि SPO2, हार्ट रेट एंड कैलोरीज बर्न, प्लस आपका कंपास एंड बेसिक फंक्शंस लाइक ब्लूटूथ एंड आपके बेसिक एप्लीकेशन लाइक कैलेंडर टाइम है, जो कि बेसिकली एक वॉच का फंक्शन होता है। एंड साथ ही अगर मैं आपको साफ सीधी बात बताऊं तो इसमें जो बैटरी आपको 628 mAh की देने को मिल जाती है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिगेस्ट बैटरी एक स्मार्ट वॉच में देने को मिलती है, इवन बेटर देन एप्पल वॉच अल्ट्रा जो कि 90,000 के अराउंड आती है, एंड यू नो सैमसंग वॉच क्लासिक 6 जो कि जिसके अंदर आपको आई थिंक 400 mAh के अराउंड की बैटरी देने को मिल जाती है, तो इसमें आपको सबसे बड़ी बैटरी देने को मिलती है, एंड इसी वजह से इसकी बैकअप भी आपको काफी अच्छे देने को मिल जाता है, साथ इसमें आपको डबल डिस्प्ले की और ज्यादा बैकअप देने को मिल जाता है। इसके अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है यू नो स्नैपड्रैगन W5+Gen1 का प्रोसेसर, जो कि बेसिकली एक वेयरेबल प्लेटफॉर्म पे आता है, एंड ये प्रोसेसर आप मानिए स्नैपड्रैगन की तरफ से सबसे ज्यादा टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर है वो स्मार्ट वॉचेस के लिए, एंड आपको आई डोंट थिंक कि एंड्रॉइड इकोसिस्टम में इससे अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, सो डेफिनेटली इसमें आपको टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ ही इसमें आपको मिल जाती है 2GB की रैम एंड 32GB की स्टोरेज भी, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। अगर मैं गूगल वियर OS की बात करूँ तो इसमें आपको एकदम लेटेस्ट टॉप ऑफ द लाइन गूगल वियर OS 3.5 का सपोर्ट देने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा क्लीन UI है, एंड डेफिनेटली अगर आप गूगल वियर OS 3.5 को यू नो यूज करेंगे तो काफी ज्यादा इजी टू यूज है, एंड साथ ही इसको मोबाइल ने अपनी तरफ से कस्टमाइज भी कर रखा है, तो हर चीज काफी ज्यादा नीट क्लीन एंड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, एंड साथ ही यू नो ऑपरेट करना काफी ज्यादा इजी है इसको। मैं अपनी सेकंड वीडियो में आपको एक्जैक्टली बताऊंगा कि इसको किस तरह से ऑपरेट करना है, मैं फिलहाल सिर्फ आपको ओवरव्यू एंड आपको इन डेप्थ स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूं। डायमेंशन की बात करूं तो उसमें आपको हाइट देखने को मिल जाती है कुछ 50.1 mm की, वहीं अगर मैं इसका आपकी लेंथ की बात करूं तो आपको मिल जाती है 48 mm की, एंड इसके अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो आपको देखने को मिल जाती है 12.2 mm की, एंड इसके अगर मैं वजन की बात करूं तो आपको सिर्फ 44.3 grams का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, बल्कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा परफेक्ट वजन है इसका, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके हाथ में कोई बहुत ज्यादा हैवी वजन या फिर बहुत ज्यादा बल्क है, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इसमें आपको सिर्फ दो ही कलर वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, जो मैंने अभी लिया है वो एकदम लेटेस्ट अभी कुछ 1-2 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था, जो कि बेसिकली सैंडस्टोन, एंड जो जिसके साथ डिफॉल्ट लॉन्च हुआ था वो था बेसिकली आपका ऑब्सीडियन, जो बेसिकली कुछ नहीं है सिर्फ ब्लैक कलर ही है, एंड सैंडस्टोन में वॉच काफी ज्यादा अच्छी लगती है ना, आपके हर वियर एंड आपके हर अटायर के साथ आराम से सिंक कर जाती है, वहीं अगर आप ब्लैक की बात करें तो ब्लैक ऑलमोस्ट हर चीज के साथ सिंक नहीं करती, तो मेरे को कलर तो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव थोड़ा ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इसमें अगर मटेरियल की यूज की बात करो तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है मेटल 7000 सीरीज एल्यूमिनियम का यूसेज, जो कि वॉच केस में हुआ है, एंड इसमें आपको हाई स्ट्रेंथ नायलॉन विद फाइबर ग्लास का भी सपोर्ट देने को मिल जाता है, जो कि आपका बेसिकली बैक वॉच की बैक में यूज हुआ है एंड आपकी ग्लास में यूज हुआ है, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात आपको देखने को मिल जाती है कि आपके वॉच में जितने मटेरियल यूज हुए काफी ज्यादा हाई क्वालिटी है, एंड आपको 35,000 के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ एंड्रॉइड इकोसिस्टम में इससे अच्छी स्मार्ट वॉच नहीं मिलने वाली है, आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आने वाली जैसे एक फोन है। इसमें आपको रोटेटिंग क्राउन भी देने को मिल जाता है बिल्कुल एप्पल वॉच की तरह, जो कि एकदम स्मूथली रोटेट करता है, इसमें आपको एकदम सॉफ्ट हैप्टिक फीडबैक्स भी देने को मिल जाते हैं, तो आपको ना काफी ज्यादा अच्छा फीडबैक मिलता है इसके रोटेटिंग क्राउन से, काफी ज्यादा स्मूथ एंड रियल टाइम है, तो स्क्रॉलिंग में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। साथ ही इसमें आपको एक पावर बटन भी देने को मिल जाता है, जो कि उसके जस्ट ऊपर है, जैसे आप इसको अपने रीसेंट ऐप्स खोल सकते हैं, एंड आपका जो रोटेटिंग क्राउन है वो आपका एक बटन भी है जिससे आपके एप्लीकेशन खोल सकती हैं, आप उसको असाइन कर सकते हो किसी और फंक्शन के लिए भी, बट मैं फिलहाल इसको डिफॉल्ट में यूज़ कर रहा हूँ। इस वॉच में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और वाईफाई आपका 2.4 GHz का देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ 11-12 Mbps तक की स्पीड कैप्चर कर सकता है किसी भी वाईफाई से, एंड इसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें आपको सॉलिड सिलिकॉन इंटरचेंजेबल स्टैप्स देखने को मिल जाता है, जो कि 24 mm के हैं, जिसको आप डेफिनेटली किसी भी और के साथ चेंज कर सकते हैं, एंड जो डिफॉल्ट आपका स्टैप है काफी अच्छा है, एंड इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं लॉन्ग टर्म यूसेज के बाद भी, मैंने इसको 20-20 घंटे भी पहना है तो मुझे तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आई है। इसमें अगर मैं सेंसर्स की बात करूँ तो आपको देखने को मिल जाता है एक्सेलेरोमीटर, जायरोसेंसर, HDPPG
हार्ट रेट सेंसर, इसमें आपको SpO2 का भी सेंसर देखने को मिल जाता है जैसे कि मैंने बताया ब्लड ऑक्सीजन लेवल, एंड इसमें आपको स्किन टेम्परेचर का सेंसर भी देखने को मिल जाता है, एंड लो लेटेंसी ऑफ बॉडी सेंसर भी इसमें मिल जाता है, बैरोमीटर भी देखने को मिल जाता है जो कि बेसिकली आपकी एलिवेशन को कैलकुलेट करता है कि आप सी लेवल से सर कितनी ऊंचाई पे हैं। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है, साथ ही आपके सराउंड के प्रेशर को भी कैलकुलेट कर सकता है। इसमें आपको कंपास भी देखने को मिल जाता है बिल्ट इन, जो कि आपका बिल्कुल एकदम स्मूथ काम करता है, एंड मेरे को फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आई इसको, कोई भी दिक्कत नहीं होती है डायरेक्शंस को फाइंड करने में। एंड इसमें आपको डिफॉल्ट एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाती है मोबाइल कंपास के नाम से, जिसमें आप बेसिकली इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको स्पीकर भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड है, आपको एक थोड़े हल्के फुल्के क्राउडेड रेस्टोरेंट या फिर किसी कैफेटेरिया से इलाके में भी आराम से बात करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि इसमें जो वॉइस क्लियरिटी वो बहुत ज़्यादा अच्छी, एंड कॉल्स वॉल्स देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इसमें ही आपको माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाता है, तो आप पूरी अपनी कॉल को अपने बहुत सही अटेंड कर सकते हैं। इसमें आपको हैप्टिक फीडबैक के लिए आपको वाइब्रेटर मोटर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प वाइब्रेट करती है, तो आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करने वाले, इसका जो आप काफी इजीली फील कर सकते हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, काफी ज्यादा शार्प है, काफी ज्यादा लाउड भी है। इसमें आपको NFC पेमेंट्स के लिए इसमें आपको NFC का सपोर्ट देते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको देखने को मिल जाता है, आप उसके थ्रू आप गूगल पे के थ्रू आप NFC पेमेंट्स भी कर सकते हैं, जो कि कुछ 13.56 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करती हैं, तो आप इसके NFC के थ्रू अपने गूगल वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हैं, एंड कहीं भी आप इसको आगे पे कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में आई थिंक इसका सपोर्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज मैंने कोशिश करी थी इसको अपने फोन के साथ कनेक्ट करने की, बट मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेलिटी। तो आई थिंक इंडिया में अभी इसका सपोर्ट नहीं है, बट बाकी देशों में जहाँ भी इसका सपोर्ट अवेलेबल है वहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो फॉर व्हाटएवर रीजन, प्लीज डू फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे अहेड, एंड पीस आउट। थैंक यू। सो माय सिस्टर ऑलवेज हैड दिस पैशन टुवर्ड्स दिस स्पेसिफिक आर्ट स्टाइल व्हिच इज नोन एज डूडल, एंड नाउ शी इज फाइनली मेड अ बिजनेस आउट ऑफ इट। नाउ वी हैव लॉन्च्ड आवर क्लोथिंग स्टोर व्हिच इज बेसिकली अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न। यू कैन विजिट आवर स्टोर्स इन बोथ ऑफ द वेबसाइट्स, प्लस वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड आवर वेबसाइट दैट कैन बी फाउंड बाय द लिंक व्हिच आई प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। द ओनली थिंग दैट वी प्रॉमिस टू यू गाइस इज दैट वी ऑलवेज प्रायोरिटाइज आवर कस्टमर्स, एंड वी बेसिकली विल गोना प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी टी-शर्ट्स दैट यू विल एब्सोल्युटली गोना लव। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू नॉट डू एनीथिंग एल्स, बट एट लीस्ट visit our website and check out all the t-shirts that we have posted over there. There are around like 15 different designs available right now related to Marvel, related to some animes and some unique originals that are all posted on our website. You can check out all the t-shirts, and the only priority that we'll always gonna have is to focus on customers. So all our t-shirts are thick and 100% cotton. They will absolutely gonna be exactly the same even after 100 washes, plus all the detail printings will always gonna be texture printing, so you can basically feel them as well. And also the color scheme that we have followed in all our art style is very unique and original, so I'm pretty sure that you're gonna love all those t-shirts. I just request you to please at least visit our website and check out all the t-shirts. I'm pretty sure that you're gonna love them. So I just congratulate my sister once again for finally make her dream come true, and we have launched our website and Flipkart store plus the Amazon store, and you can find all the links in the description. So I sincerely request you to at least visit our website and check out all the t-shirts, and if you're gonna love it, I will be super happy if you're gonna shop it as well. So that's all.